शताब्दी के उत्तरार्ध में जब यहाँ पर कारखाना प्रणाली का औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप जन्म हुआ, उस समय प्रबंध की विचारों एवं सिद्धांतों को लेकर विभिन्न प्रबंध की वैज्ञानिकों ने प्रबंध के सिद्धांतों को जन्म दिया। इसमें आवश्यकता अनुसार हेनरी फ्योल और एफ डब्ल्यू टेलर, इन्होंने जो है प्रबंध के विभिन्न सिद्धांत और वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांतों को विशेष रूप से जन्म दिया। आइए यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में। हेनरी फ्योल, जिनको हम आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता मानते हैं, इनका जन्म 1841 में फ्रांस में हुआ था और इन्होंने सन 1860 में खनन इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। इसके पश्चात फ्रांस की एक बड़ी कंपनी में, कोयला कंपनी में इन्होंने इंजीनियरिंग का काम किया। तत्पश्चात वो उसी कंपनी में प्रबंध संचालक रहे और लगभग 30 वर्षों तक उन्होंने प्रबंध संचालक के पद पर कार्य किया। उन्होंने पद पर कार्य करते हुए जो है उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी। 1916 में जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक को जो है आधुनिक प्रबंध में अग्रगामी माना गया। 1925 में फ्योल की मृत्यु हुई थी। फ्योल ने जो है प्रबंध में क्रियात्मक दृष्टिकोण को अपनाया था। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर इसे 6 भागों में बांटा था: तकनीकी कार्य, वाणिज्यिक कार्य, वित्तीय कार्य, सुरक्षात्मक, लेखा संबंधी और प्रबंधकीय कार्य। तो इस प्रकार से यहाँ पर फ्योल ने जो है अपने प्रबंध के सिद्धांतों को 14 भागों में बांटा हुआ है। यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे सर्वप्रथम प्रथम सिद्धांत का, जो है श्रम विभाजन का सिद्धांत। फ्योल के अनुसार श्रम विभाजन या कार्य विशिष्टीकरण अधिक उत्पादन को संभव बनाता है। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि जब कोई कर्मचारी एक ही प्रकार के कार्य को लगातार करता है तो निश्चित है कि उसमें विशिष्टीकरण का गुण आ जाता है, कार्य में उसकी महारत हासिल हो जाती है और वो लगातार उस कार्य को करने के कारण उस कार्य में को करने में निपुण हो जाता है। फलस्वरूप जब वो उस कार्य में उसकी विशिष्टता आ जाती है तो संभव है कि निश्चित रूप से उत्पादन और अधिक होता है और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की क्वालिटी में भी सुधार होता है। इस प्रकार से उनके अनुसार ये सिद्धांत तकनीकी एवं प्रबंधकीय दोनों क्षेत्रों में लागू किए जा सकते हैं। अर्थात कारखाने में यदि कोई व्यक्ति उत्पादन का कार्य कर रहा है तो लगातार एक ही प्रकार का उत्पादन करने से वो बेहतर उत्पादन कर सकता है। वहीं प्रशासकीय या प्रबंधकीय या कार्यालयीन कार्य करने में जो व्यक्ति महारत हासिल है उसको वो कार्य सौंपने में वो बेहतर कार्य कर सकता है। आइए दूसरा जो सिद्धांत इन्होंने कहा है, आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता का सिद्धांत हमें ये बताता है कि प्रत्येक कर्मचारी को आदेश एक ही अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए। यदि कर्मचारियों को अलग अलग अधिकारियों से अलग अलग प्रकार के आदेश प्राप्त होंगे तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी क्या होगा, भ्रमित हो जाएगा और ऐसी स्थिति में भ्रम की दशा में कर्मचारी और अधिकारियों के बीच विवाद की स्थिति भी बन सकती है। साथ ही कर्मचारी जो है अधिकारी के द्वारा दिए गए आदेश के प्रति जो है जवाबदेह नहीं रह पाएगा। अतः आवश्यक है कि कर्मचारी को आदेश एक ही अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए ताकि वो कर्मचारी अपने अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के प्रति उत्तरदायी हो और कर्मचारी जो है अपने दायित्व से बच नहीं सकता, काम चोरी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये आदेश की एकता का सिद्धांत बताता है कि
कि आदेश जो है वो एक ही अधिकारी से कर्मचारी को प्राप्त होना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ अगला बिंदु जो है निर्देश की एकता। इसके अंतर्गत जिस उद्देश्य को समूह के माध्यम से पूर्ण कराया जा रहा है उस समूह का एक ही अधिकारी होना चाहिए जो उस समूह को निर्देशित करे एवं संचालित करे। यहाँ पर निर्देश की एकता से समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन करना जो है वो सुविधाजनक हो जाता है और विशिष्टीकरण के कारण जो है वो लाभ प्राप्त होता है, संगठन की कार्य कुशलता बढ़ जाती है और उसका उद्देश्य प्राप्त करना सफल हो जाता है। तो यहाँ पर निर्देश की एकता हमें ये बताती है कि जो भी समूह है उस समूह को निर्देशित करने वाला एक ही अधिकारी होना चाहिए। अगला सिद्धांत है फ्यूल का अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों एक प्रबंधकीय सिक्के के दो पहलू हैं जो साथ साथ विद्यमान होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक कर्मचारी को या अधिकारी को जब दायित्व सौंपे जाते हैं तो दायित्व के साथ साथ अधिकार भी उसको सौंपे जाते हैं। इससे अधिकृत कर्मचारी के साहस में वृद्धि होती है जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है। तो यहाँ पर सिद्धांत हमें ये बताता है कि जिस कर्मचारी को अधिकारी को कार्य का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है तो उस उत्तरदायित्व के साथ साथ उस कार्य से संबंधित जो भी अधिकार हैं वो अधिकार भी उसको सौंपना चाहिए ताकि वो किसी भी प्रकार की किसी भी परिस्थितियों में जो उसको निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, वो ले सकता है। अगला बिंदु है सामुदायिक हित के लिए व्यक्तिगत हित का समर्पण। प्रबंध का सिद्धांत हमें यह बताता है कि एक कुशल प्रशासक को चाहिए कि वो संस्था के हित और व्यक्तिगत हितों के समन्वय एवं सामंजस्य को बनाए रखे। अर्थात जब भी हित की बात हो तो उपक्रम के हित में अपने व्यक्तिगत हितों का वो त्याग करे और सामूहिक या सामुदायिक हित के लिए जो भी उचित निर्णय हैं प्रशासक को लेना चाहिए। यदि कभी किसी भी प्रकार का सामुदायिक हित और व्यक्तिगत हित के बीच में विवाद हो तो संस्था हित अर्थात सामुदायिक हित को ही प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि संस्था का हित है तो सभी का हित है। इसलिए प्रबंध के सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को, प्रबंधकों को ये चाहिए कि हमेशा व्यक्तिगत हित को किनारे रखकर सामूहिक या सामुदायिक हित के लिए वो कार्य करें। अगला सिद्धांत है केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण की नीति हमें यह बताती है कि संस्था या उपक्रम के कार्यों के अंतर्गत जो अधिकार हैं उनका केंद्रीकृत किया जाना या उनका विकेंद्रीकृत किया जाना। यहाँ संस्था के हित को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार की नीति अपनाई जाए इसका निर्णय संस्था के व्यापक हित और कर्मचारियों की मनोभावना साथ ही कार्य की प्रकृति के अनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए। इसमें अधिकारियों के कार्यभार में कमी आती है और बेहतर व शीघ्र निर्णय लेना संभव होना चाहिए। हाँ, इतना अवश्य है कि किसी भी उपक्रम में बहुत अधिक केंद्रीकरण या बहुत अधिक विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर संस्था के उपक्रम में आवश्यकता अनुसार प्रशासन को संचालित करने के लिए, उत्पादन के लिए जो भी जितना आवश्यक है केंद्रीकरण की नीति या विकेंद्रीकरण की नीति उसको अपनाया जाना चाहिए। अगला जो सिद्धांत हमें यह बताता है पारिश्रमिक का सिद्धांत। पारिश्रमिक का सिद्धांत हमें यह बताता है कि कर्मचारियों को उचित व न्यायोचित पारिश्रमिक देना चाहिए, क्योंकि उचित वेतन के साथ साथ गैर वित्तीय पारितोषण जो है अच्छे निष्पादन की सर्वश्रेष्ठ अभिप्रेरणा है। अर्थात उचित पारिश्रमिक के साथ गैर वित्तीय अभिप्रेरणाएं जो है वो अच्छे परिणामों को जन्म देती हैं। इससे कर्मचारियों का शोषण
समाप्त होता है, कर्मचारियों को बेहतर पारिश्रमिक प्राप्त होता है, तो उनका मनोबल बढ़ता है, और जब मनोबल बढ़ता है तो कर्मचारी के मन में उपक्रम के प्रति समर्पण की भावना का विकास होता है, साथ ही श्रम परिवर्तन की दर कम होती है। श्रम परिवर्तन से यहाँ पर आशय है कि कर्मचारी जो है उपक्रम को छोड़कर कम वेतन के अभाव कारण अपने उस उपक्रम को छोड़कर दूसरी जगह कार्य करने चले जाते हैं, तो इसकी जो दर है वो क्या होती, कम होती है। और अगला बिंदु, सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला हमें ये बताती है फ्यूल के अनुसार आदेश की एकता एक श्रृंखला का निर्माण करती है, जिसे हम सोपान श्रृंखला कहते हैं। इसमें आदेश जो है वो ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। जैसे मुख्य प्रबंधक प्रबंधक को आदेश देता है, प्रबंधक उप प्रबंधक को आदेश देता है, उप प्रबंधक सहायक प्रबंधक को, और क्रमशः सहायक प्रबंधक विभागीय प्रमुख को, विभागीय प्रमुख सहायक प्रमुख को, और सहायक प्रमुख कर्मचारी तक। इस प्रकार से आदेश की जो श्रृंखला है वो ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः चलती है, जिसे हम सोपान श्रृंखला कहते हैं। फेओल के अनुसार जो है, कभी हमें यदि शीघ्र निर्णय लेना है या ऐसी कोई विशिष्ट परिस्थिति या आवश्यकता पड़ जाती है तो इस श्रृंखला के क्रम को हम तोड़कर आदेश को हम जारी कर सकते हैं। फेओल ने इसे गैंग प्लैंक का नाम दिया है। सोपान श्रृंखला में जो है सूचनाओं का प्रवाह जो है वो व्यवस्थित रहता है, तथा सूचनाओं का समस्याओं का शीघ्र हल संभव होता है। अगले क्रम में हम चलते हैं उचित व्यवस्था। फ्यूल के अनुसार प्रत्येक के लिए उचित स्थान तथा प्रत्येक अपने स्थान पर होना चाहिए, अर्थात व्यवस्था एक सुदृढ़ संगठन तथा कुशल प्रबंध का सृजन करती है। अव्यवस्था जो है वो छिन्नता भिन्नता एवं भ्रम को उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर बेहतर व्यवस्था से संसाधनों का हम कुशलतम उपयोग कर सकते हैं, संसाधनों को खोजने में समय की बर्बादी नहीं होती, तथा श्रेष्ठ अनुशासन बनाए रखने में हमें मदद भी मिलती है। अगला क्रम है कर्मचारियों में स्थायित्व। प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत एक कर्मचारी जो है अपने उपक्रम में सदैव अपने लिए एक सुरक्षा की भावना चाहता है, और उसके मन में सुरक्षा की भावना उसके स्थायित्व को लेकर ही पैदा हो सकती है। अतः यहाँ पर एक कुशल प्रशासन जो है स्थायी कर्मचारियों पर निर्भर होता है। उपक्रम में यदि जल्दी जल्दी कर्मचारी बदलते हैं, कर्मचारी छोड़ के जाते हैं, नए कर्मचारी आते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके मन में उपक्रम के प्रति निष्ठा जो है वो नहीं बन पाती। यदि कर्मचारी का स्थायित्व है उपक्रम में, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी जो है उसके मन में सुरक्षा की भावना रहती है, और वो उपक्रम के प्रति ईमानदार और निष्ठावान बना रहता है, क्योंकि कर्मचारी की स्थिरता पर ही उपक्रम की सफलता टिकी होती है। अगला बिंदु है समता। एक संगठन में मानव शक्ति लगी होती है। व्यक्तियों का यह समूह एक संयुक्त प्रयास या लक्ष्य प्राप्ति में संलग्न होता है, अतः वहाँ पर पूर्व निर्धारित रीतियों व परंपराओं के आधार पर समता इक्विटी होना चाहिए। तो फ्यूल के अनुसार जो है एक उपक्रम में एक प्रबंध को अपने कर्मचारियों के साथ व्यवहार में संयम तथा उदार विचारधारा को अपनाना चाहिए, जिससे उनमें अपने कार्यों के प्रति समर्पण एवं अपनेपन की भावना का विकास होता है। यहाँ पर कर्मचारियों के साथ प्रबंध को मैत्रीपूर्ण न्यायपूर्ण और उदारपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, अर्थात सभी कर्मचारियों के साथ उसका समतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। अगला बिंदु है अनुशासन। फ्यूल के अनुसार संगठन के प्रत्येक व्यक्ति को उसके उद्देश्य नीतियों नियमों व क्रियाविधि का सम्मान करना चाहिए।
अर्थात उपक्रम में जो भी कार्यरत कर्मचारी हैं उन्हें चाहिए कि उपक्रम के जो भी निर्धारित उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, नीति हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। यदि ये चीज़ें नहीं होंगी तो इसके अभाव में अनुशासन भंग करने पर कर्मचारियों को दंड का प्रावधान भी होना चाहिए, क्योंकि बगैर भय के अनुशासन की भावना पैदा नहीं होना चाहिए। तो एक अनुशासित संस्था के होने से संस्था की साख भी बढ़ती है और कर्मचारियों की कार्यकुशलता भी बढ़ती है। अतः प्रबंध के सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि उपक्रम में अनुशासन की भावना होना आवश्यक है। अगला सिद्धांत उन्होंने बताया है पहल शक्ति। पहल शक्ति से तात्पर्य है कि कर्मचारी में आगे बढ़ के काम करने की भावना का होना। तो फ्योल के अनुसार एक उपक्रम में कर्मचारी में कार्य करने के प्रति पहल की भावना का होना आवश्यक है। ये पहल की भावना जो है उसके मन में स्वप्रेरणा से स्वयं अपने अंदर से विचार उसका प्रकट होता है। उसके अंदर जो उसकी शक्ति है, कैपेसिटी है, जो कार्य करने की क्षमता है, उसके अनुसार ही कार्य करने की पहल शक्ति उसमें होना चाहिए। इसके लिए प्रबंधकों को चाहिए कि वो अपने कर्मचारियों को सदैव मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें, उन्हें अभिप्रेरित करें, ताकि एक कर्मचारी की कार्य के प्रति जो पहल की भावना है वो बाहर निकल के आए और कर्मचारी तेजी से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो। अंतिम सिद्धांत के रूप में उन्होंने यहाँ पर व्याख्या की है सहयोग की भावना। सहयोग की भावना के अंतर्गत तो उन्होंने कहा है कि संगठन ही शक्ति है और संगठन जो है एक समूह है। समूह में बहुत सारे लोग होते हैं और इन सभी लोगों का जो सहयोग है वो संगठन को शक्ति प्रदान करता है। अतः कर्मचारियों में एकता की भावना को बनाए रखने के लिए उन कर्मचारियों के मन में सहयोग की भावना का होना आवश्यक है। यहाँ पर हर एक कर्मचारी में जब सहयोग की भावना होगी तो निश्चित तौर पर उपक्रम में सभी कार्यरत कर्मचारियों के बीच में आपसी संबंध मधुर होंगे, और जब आपसी संबंध मधुर होंगे, एकता की भावना होगी, अनुशासन होगा, और इससे उपक्रम के लक्ष्यों को, उद्देश्यों को प्राप्त करना जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। तो प्रिय छात्र, यहाँ पर हमने फ्योल के इन 14 सिद्धांतों का यहाँ पर हमने अध्ययन किया है, जो कि फ्योल की ये सिद्धांत आधुनिक प्रबंध के सिद्धांतों में न केवल पर्याप्त समानता, बल्कि आज अनेक कंपनियां इन सिद्धांतों को अपनाकर सफलता प्राप्त कर रही हैं, पर्याप्त मात्रा में उत्पादन कर रही हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही हैं। यहाँ पर आपको जो प्रश्न के परीक्षा में आपके लिए आएगा कि फ्योल के द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए।